बात करते मेरे बारे में, मुझे पता ही नहीं है, वो साबित नहीं कर सकते लोग। मजहबी जलसे जो मजहब के नाम पे होते हैं, अल्लाह अल्लाह के रसूल के नाम पे जो जलसे होते हैं, मुझे बहुत से जगह से मौजूद किया जाता है, मैं किया हूं। हमारे उलमा ने, हमारी जमात के जिम्मेदार लोगों ने कहा, मौलाना वो तो फला जमात के थे, वो तो फला फला थे, उनका अकीदा ऐसा, उनका ऐसा, आप क्यों गए हुआ? मैं कहा आपको पूछ के जाना था, आपसे इजाजत लेना था, हम कुछ सूझबूझ है कि नहीं? अरे जिसने मुझे बुलाया है, जो मुझे दावत देने आया, जो मेरा दाई है, जिसने मधु किया, उसने क्या समझा, क्या समझ के मधु किया कि कुछ अल्लाह अल्लाह के रसूल का पैगाम सुनाएगा, कुछ कुरान की बात बताएगा, कुछ हदीस रसूल पेश करेगा? इसीलिए, अरे मैंने कहा ना, मैंने उसकी जमात को देखा, ना उसकी दाढ़ी और टोपी को देखा, ना उसके लिफाफे इंतजाम को देखा, नबियों की तालीमात को देखा और अपने इल्म को देखा, चला दिया अजमत रिसालत का पर्चा तैयार आ गया। हमारे खिताब पर कोई एतराज नहीं हुआ। आज मौजूदा हिंदुस्तान में जितनी जमातें हैं, तकरीबन जमातों की बात कर रहा हूं मैं, पिछले ही दिनों में एक मस्जिद के इफ्तिताह के लिए गया था, जहां अहले हदीस भी थे, जमात इस्लामी थे, तबलीगी जमात थे, देवबंदी जमात के थे, उसमें किस्म के सारे अलामत थे, लेकिन मैं मस्जिद में हूं, मैं तो वो हवाई बात करने वाला नहीं हूँ। आज हमारी जमात में बहुत से अलामा सिखाए जिम्मेदार गुफ्तगु करते हैं, मैं अगर उसे पकड़ करूंगा ना, वो घर के अंदर बैठ जाएंगे, बाहर हम नहीं दिखा सकेंगे। अब उन चीजों को छोड़ना नहीं चाह रहा हूँ मैं, वो गैर जिम्मेदार लोग हैं, जिम्मेदारी लेने के बाद ही गैर जिम्मेदारी गुफ्तगु करते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बसपा के मदद करने का सदका हमारा खिताब रहा, और सारे जमातों ने उसको समाप्त किया, सब ने उसको समझा और सब ने उसकी तायद की। मैंने अपने घर की कोई बात नहीं की, मैंने इधर उधर की कोई बात नहीं की, कान पे हाथ रख के लफ्ज में नहीं सुनाया, किससे नहीं सुनाया, लोगों को हंसाया नहीं, कभी सुनाता रहा, कुरान सुनाता रहा, लोग महसूस होते रहे और लोग दुआएं देते रहे। मैं जमात को देख के नहीं जाता, अगर मैं ना जाता, अगर मैं इसको रिफ्यूज करता, इनकार कर देता, नहीं आ रहा हूं मैं, ये जवाब वाले क्या बोलते मालूम? ऐसे बोले साल खाली अपने मस्जिद में चिखते हैं, खाली अपने हम अपनी गली में शेर बने रहते हैं, जरा हमारे वालमा के सामने बोलना था, जरा हमारे भाइयों के सामने की हदीस बयान करना था, यहाँ के तफसीर बयान करना था, तो हमें पता चलता था कितना बड़ा आलिम हो सकता है, उनका नजरिया यही हो, देखेंगे आता के नहीं आता, सुनाता के नहीं सुनाता। लेकिन जब मैं वहां पहुंच गया और मैंने वहां नारा हद बुलंद किया, वो लोग गलत है क्या? सही है, जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? अरे अगर मैं जाता, कई तरह के गलत फहमी पैदा हो जाती, गलत तरह से जब पलटने लगते थे, लोग गलत किस्म की राय कायम कर लेते थे। इसीलिए आलिमों की जिम्मेदारी होती है, अगर उसे बुलाया तो मौका मिला वहां रोशनी पहुंचाने का। अगर आप समझते हैं वहां अंधेरा है, आप समझते हैं वहां रोशनी नहीं है, आप समझते हैं कि वहां उजाला नहीं है, आप समझते हैं वहां हक नहीं है, अल्लाह ने आपको वहां हक पहुंचाने का मौका दिया है, तो जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? मैंने कहा बड़ा साबिर होना चाहिए आदमी, बड़ा शाकिर होना चाहिए आदमी, बड़ा मुतब्बिर होना चाहिए। घड़ी में तोला, घड़ी में माशाअल्लाह, आदमी वाइस नहीं बन सकता, याद की खतीब नहीं बन सकता, मिल्लत की रहबरी का फरीजा अंजाम नहीं दे सकता। उसके पास नबी की तालीम भी चाहिए, नबी के अखलाक का जौहर भी चाहिए, तब जाके वाइस और खतीब बनने का और रहबरी का फरीजा अंजाम देगा। कई साल पहले की बात है, मिलादुन्नबी के जलसे के लिए मुझे कॉल किया लोगों ने, मैं पूछता नहीं हूं
कहाँ जाना है, कब जाना, इतना पूछता हूँ। वो सब पूछना हमारा काम नहीं है, अल्लाह रज़ाक है, समझे। लोगों ने मुझको तिजार कर कारोबार बना के बाद में। हाँ, बात लोग जहाँ आलिमों को इस्तेहसाल करते हैं वहाँ बात कर लेनी चाहिए। अभी वो मौका नहीं है, इंशाल्लाह उस पर बात करूँगा। जब गया हुआ और भी बहुत से अलामत हैं जो टूटा फटा बिल्कुल बेकार रहता था। सिबुल हसन सबसे आखिर में आता है, इसका नंबर पहले लोग बोल लेते अच्छे अच्छे सब बोलिए सब आते आखिर में अपना नंबर। जहाँ जलसा हो रहा था वो जगह मुसलमानों की नहीं थी, जगह मुसलमानों की नहीं थी, गैर मुस्लिमों की जगह थी। और वहाँ गैर मुस्लिमों के इबादत के पूरे सामान वहाँ मौजूद थे, तौर तरीके उनके लिए वो सब। और उसी के अंदर मिलादुन नबी का जलसा। तो हमारे एक भाई साहब ने बड़ी नाराजगी का इजहार किया इंतजाम लगे होगा, कोई और जगह नहीं मिली थी, किसी मस्जिद में रख लेना था, कहीं और रख लेना था, किसी के घर में रख लेना था, किसी के मदरसे में रख लेना था, यही क्यों। और पूरी तकलीफ इसमें चली गई बेचारे नाराज हो गए। मैंने देखा उनके जमीन का मुंह इतना हो गया, सुबह से छोटा हो गया। जिन्होंने ये जलसे का इंतजाम किया था मस्जिदों में तो हमेशा आते रहते, मदरसों में तो हमेशा आते रहते हैं, खानकाह में तो हमेशा आते रहते हैं, वो तो हमारा रोज का काम है। आज अगर यहाँ मौका आया तो इनके दरमियान में तुम सीधा तेरा सुनना रसूल अपने ही चराग से रोशनी के लिए लगाया था, उससे आग लग जा रही।
आग लगाना आपका काम नहीं है, फिजलों की चिंगारी को हवा देना आपका काम नहीं है, इंतजार फैलाना आपका काम नहीं है। अरे आपका नबी तो बड़ा तकब्बुर वाला, बड़ा सबर वाला, बड़ा शुक्र वाला, और नबी का पैगाम लेके आप उठे। मैं नबी की तालीमात से एक हवाला कुरान में से और चंद हवाले सीरत में से आपके सामने रख के आगे बढ़ूंगा, फिर सादात के मौजू पे आऊंगा। अपने खिताब के आखिरी हिस्से में दुरूद पाक पढ़ूंगा इंशाअल्लाह। आप जो चाहो दुनिया में हो जाए ऐसा नहीं होता। जो आपका नजरिया है, जो आपका अकीदा है, जो आपकी सोच है, सभी लोग इस नजरिया को मान ले, सभी का ये अकीदा हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। ये दुनिया नहीं है ऐसी। आप हक है, आप हकानियत के साथ रहो, लेकिन सब आदमी आपके पास आ जाए, सभी आपके झंडे के नीचे जमा हो जाए, ऐसा अंबिया के साथ नहीं हुआ, औलिया के साथ नहीं हुआ, गौसु खाना के साथ नहीं हुआ, इमाम हुसैन के साथ नहीं हुआ, कभी किसी राह में नहीं हुआ। और ऐसा करने की कोशिश करोगे जो है ये भी बिखर जाएगा, याद रखो जो है ये भी बिखर जाएगा, अपने पैर के नीचे जमीन नहीं रहेगी। आप हक हो, आप हक को लेके चलो। मुफस्सिरीन बयान करते हैं एक दिन सुबह से शाम हो गई, लोग आते गए, बारगाह रिसालत में मेरा रसूल उनको तलकीन करते गए, तुफलीला इला इलाल्लाह, तुफलीला इला इलाल्लाह, कलमा पढ़ लो कामयाब हो जाओगे, कलमा पढ़ लो मैं जन्नत में लेके जाऊंगा, मैं जमीन को रसूल अल्लाह बोलते रहे। पूरा दिन गुजर गया, किसी एक आदमी ने भी कलमा नहीं पढ़ा, एक आदमी भी मेरे रसूल की दावत को कबूल नहीं किया। शाम होते होते नबियों का इमाम खुदा का महबूब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदा हो गए। हम लोगों की बड़ी फिक्र थी ना, इसलिए तो अल्लाह ने बोला मस्त आलम भी मुसाइब थे, मैं वो आप उनको जबरन कलमा नहीं पढ़ाएंगे। ये उनको देख के अगर ना समझेंगे ना समझी, आसमान की बुलंदी को देख के ना समझे ना समझिए, मुझे पहाड़ों को देख के बिगड़ खुदा की तखलीक को ना समझेंगे ना समझिए। खुदा फरमा रहा है और ये अल्लाह ने कहा फसुकी हक जमीन के उसवा को और जमीन का बिछौना देख कर भी अगर ये ना समझे तो इनकी ना समझी है। फजा तीन नमाज का मुदक्किर हक का काम नसीहत करना है, आज भी नसीहत करोगे नसीहत करते जाओ, इनकी समझ को नहीं देखना, आप नसीहत करते जाना। तो महबूब की ये आरजू, ये अंदरूनी चाह के लोग जहन्नम से बच जाए, अल्लाह के कहर से बच जाए, अल्लाह की पकड़ और अल्लाह के जलाल से बच जाए, इसलिए हर एक के सामने कलमा पेश कर रहे थे। उसमें नबी के खानदान के लोग, चाहने वाले कबीले के लोग, रिश्तेदार के लोग, वतन के लोग, अरब के लोग, सुबह से शाम हो गई, एक आदमी भी कलमा नहीं पढ़ा। शाम होते होते जब मेरा नबी रंजीदा हो गए, खाली के कायनात ने आवाज दी ताहिर सिदरा को, जिब्रील आमीन उठो, मलक की कुव्वत के साथ परवाज करो, मेरा महबूब गमगीन हो गया है, मेरा महबूब रंजीदा हो गया है, मेरे महबूब को जाके मेरा पैगाम सुनाओ। वलव शा रब्बुका, वलव शा रब्बुका मन फिल अर्ज कुल्लुहुम जमीआ अफान तुकरिहुन नास हत्ता यकुनू मुमिनीन। ये महबूब अगर आपका रब चाहे पूरी जमीन के सारे लोग मुसलमान हो जाए। रब ऐसा नहीं चाहता। रब ने नबियों को भेजा, पैगंबरों को भेजा, रसूलों को भेजा, हक और बातिल को जाहिर फरमाया, लोग अपनी समझ से इस्लाम को कबूल करें। अफान तक तो कोई हुन्ना सत्ता को मुमिनीन, क्या महबूब आप इन पे जबर करोगे जब तक ये लोग कलमा ना पढ़ ले मुसलमान ना हो जाए? नहीं, आपका काम है समझाना, आपका काम है पैगाम देना, आपका काम सुनाना, कलम को मुसलमान
नहीं छोड़ दो मेरा काम। तो गोया को खुदा ने अपने महबूब को पैगाम देके कयामत तक आने वाले अपने महबूब के दीन के दाइयों को पैगाम दिया, तुम्हारा काम है सुनाना, जहां मौका मिले सुनाओ, जबर करना तुम्हारा काम नहीं है, मुसल्लत कर देना तुम्हारा काम नहीं है, कराहत पैदा कर देना तुम्हारा काम नहीं है, लोगों में इंतजार पैदा कर देना तुम्हारा काम नहीं है, इख्तलाफात की चिंगारियों को हवा देके शोहलाइन चपाला बना के बस्तियों को खाक के ढेर में तब्दील करना तुम्हारा काम नहीं, तुम्हारा काम तो यह है कि जलतों को बुझा दो, रोतों को हंसा दो। तुम्हारा काम जलतों को बुझाना है, रोतों को हंसाना है। जहां जाओ और नबी की सीरत की हवा लेके जाओ, नबी का पैगाम लेके जाओ, जबर करना नहीं है तो आदमी को बड़ा सबर वाला चाहिए, नबी के पैगाम को नहीं माना, टुकरा दिया बस लोगों ने, तो हम आप हैं कौन, क्या हैसियत है कि आपकी हर बात को हर आदमी मान ले, हर कौम मान ले, हर कबीला, हर खिता, हर इलाके के लोग मान ले, आपका नाम नवा हो जाए, अपना अपना नजरिया उस पर कायम रहो। लेकिन मेरे नबी ने एक और पैगाम दिया, उस पैगाम को आपके सामने रख के थोड़ा इशारा देके सादात को मान पे आऊंगा, मचल के दौर देखना पढ़ो तो अल्लाह आसानियां इख्तियार करो, दीन में आसानियां पैदा करो नहीं, बहुत से उलमा ने इस हदीस का तर्जुमा किया दीन में आसानियां पैदा करो, मैंने उनको पूछा दीन में सख्ती क्या है जो तुम आसानी पैदा करने के लिए आए हो, दीन को समझा दिया, टेलर के हाथ के नीचे कपड़ा है, जहां से चाहे जहां से चाहे कैची मार के सही कर दे, ऐसा नहीं है दीन, बल्कि नबी ने इरशाद किया सुनो आसानियां तुम इख्तियार करो, वला तुअस्सिरु लोगों के लिए सख्ती पैदा मत करो, और सकीनु लोगों को सुकून अता करो, तसल्ली दो, वला तुनफिरु लोगों के दरमियान में नफरत मत फैलाओ। कौन फरमा रहे हैं? मेरा नबी इरशाद फरमा रहे हैं कि आसानी पैदा करो, जहां जाओ आसानी से आसानी इख्तियार करो, जिन चीजों के लिए मजहब ने मजबूर नहीं किया, जिन चीजों के लिए मजहब ने पाबंद नहीं किया, मजहब ने कोई हद कायम नहीं की, मजहब ने कोई बाउंड्री या लकीर नहीं दे दी, तुम वहां अपनी तरफ से ज्यादा की मत करो, तुम वहां सख्ती पैदा मत करो, और लोगों को तसल्ली दो, लोगों का दिल मत तोड़ो, लोगों को सुकून दो, सकीन वाला तुम्हें फिर, और लोगों के दरमियान में नफरत की चिंगारी तो हार मत दो, ये नफरत फैलाने वाली चीज नहीं है, नफरत मिटाने के लिए है, नफरत को खत्म करने के लिए है, नफरत को दुनिया से हवा बना देने के लिए है, और हर वाइज की ये जिम्मेदारी है, हर नबी के चाहने वाले की ये जिम्मेदारी है, ये वाज इसलिए करता है, कुरान इसलिए पढ़ता है, हदीस इसलिए पढ़ता है, दुनिया से नफरतों का खात्मा हो जाए, उसकी जगह जहां जाओ नफरत का लिए जवाब पैदा और हो जाए, जहां जाओ नफरत की चिंगारी और भड़क उठे, तशद्दुद के शोले भड़क उठे, उसका नाम इस्लामी वाज नहीं, इस्लामी खिताब नहीं है, ये जोकर हो सकते हैं, लतीफा सुनाने वाले हो सकते हैं, किसी कहानियां सुना के लोगों को हंसाने वाले हो सकते हैं, मोहम्मद रसूलुल्लाह की उम्मत का जिम्मेदार वारिस नहीं हो सकता, जिम्मेदार वारिस का काम तो यह है कि आसानी अख्तियार करेगा, नहीं फला टाइम पे आऊंगा मैं, फला इतना नजराना देना होगा, मुझे ये खिलाना होगा, तब मैं जलसे में आऊंगा, नहीं ये सब सख्ती नहीं करना, आसानी पैदा करो, जलसों के लिए आसानी पैदा करो, दस के लिए आसानी पैदा करो, तफसीर के लिए आसानी पैदा करो, लोगों को इस्लामी तालीम सुनाने के लिए आसानियां पैदा करो, नहीं टोपी ही लगा के आना होगा, अमामा लगा के आना होगा, या ऐसा ही करना होगा, मजहब ने जिसके लिए पाबंद नहीं किया वो सब पाबंदी लगा के सख्त तशद्दुद बरदस्त मत करो, जहां छूट दी है, जहां रियायत दी है, किसने तुमको
حاکم بنے حاکم پکڑنے والے ہو, جب اللہ نے چھوڑ دیا, رسول اللہ نے چھوڑ دیا, اور سختی کرنے والے ہم نہیں ہیں. نبی فرماتے ہیں اللہ دعا سنو, سختی پیدا مت کرو, لوگوں کو تسلی دو. اگر تیرے پاس ٹوپی نہیں ہے تو بغیر ٹوپی کے بھی پڑھ لیا تو اللہ سننے والا. ٹوپی نہیں پہنا بولے تو اس کو اہل سنت سے خارج بن کے فتوا دے کے تیری نماز نہیں ہوئی, ایسا فتوا نہیں دے رہا. یہ جہالت ہے اور اس طرح تشدد پھیل رہا ہے. اسی لیے میں نے کہا کہ اس فریضے کو عائرہ غیرہ نتو خیرہ کا کام نہیں انجام دینا. کس کا کام ہے؟ جو علم نبوت سے بھی شرسار ہو اور صفات نبوت کا بھی حامل ہو, بڑا شاکر ہو, بڑا صابر ہو, بڑا مدبر ہو, اس کو خطیب بننا چاہیے, اس کو رہبر بننا چاہیے, اس کا وائز بننا چاہیے. گھڑی میں تو اللہ گھڑی میں ماشاء کوئی کام نہیں ملا, خطیب بن گیا, خود بھی گمراہ ہوگا, کون کو گمراہ کرے گا, جہاں جائے گا آتش فشا بن کے نفرت کی چنگاریوں کو پھیلا کے بستی باغ لگائے گا. ایسے لوگوں سے اجتناب کرو, یہ اسلام نہیں ہے, یہ مذہب نہیں ہے, یہ مذہب کے نام پہ تشدد پر پکڑنے والے خود پتہ نہیں ہے, جانتے نہیں مذہب کیا. یہ عنوان جاری رہے گا, اس میں بات کرتا رہوں گا. میں آج ہی پڑھ رہا تھا, میں الاخرت مجادیر دین ملت عظیم البرکت امام احمد رضا خان فاضل بلی الہی رحمت کی فتویٰ. امام احمد رضا نے اپنے فتوے میں ایک حدیث لکھی ہے, کئی حدیثیں ہیں, انہوں نے جو فتویٰ لکھا نا امام احمد رضا نے, اس کی عربی اور فارسی عبارتوں کا جو ترجمہ کیا گیا 30 جلدوں میں پھیل گیا پورا فتویٰ, کتنے 30 جلدوں میں, اور 1000 جلد سے 1000 صفحات سے کم نہیں ہے کوئی جلد, گویا کہ 1000 صفحات پر پھیلے ہوئے ہیں, اور تقریباً 4500 حدیثوں کو آپ نے اپنے فتوے میں نقل کیا ہے. اس میں سے حدیث پڑھ رہا تھا, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اس حدیث کے راوی ہیں. حضرت علی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, سنو توجہ سے, کہ جس کسی شخص نے میرے اہل بیت میں سے کسی شخص کے ساتھ کوئی نیک سلوک کیا, کوئی احسان کیا, قیامت کے میدان میں اس کو بدلہ میں عطا کروں گا. کس نے فرمایا؟ رسول اللہ. اب اگر کوئی رسول کو بے اختیار بولے تو اس کو اپنے اس عقیدے کا جائزہ لینا چاہیے حدیث کی روشنی میں. ارے رسول دنیا کی بات نہیں فرما رہے, کیا فرما رہے ہیں؟ کہ جس نے میرے اہل بیت میں سے کسی فرد کے ساتھ کوئی اچھا سلوک کیا, قیامت کے میدان میں اس کا بدلہ میں عطا کروں گا. تو معلوم یہ ہوا کہ رسول اللہ نے اپنے اہل بیت کے ساتھ احسان کرنے والے کا بدلہ اپنے ذمہ لے لیا قیامت کے میدان میں. اللہ حضرت نے خطبے میں لکھا, دنیا میں تو لینے والے بہت ہیں, اور میدان قیامت میں رسول اللہ نے وعدہ فرمایا کہ میں بدلہ دوں گا. کیا دوں گا یا نہیں فرمایا, کیا دیں گے یہ نہیں فرمایا, صرف دوں گا فرمایا. اور رسول کا وعدہ, ارے جب رسول ساری زندگی بھر اپنی امت کو وعدہ نبھانے کی تعلیم دیتے رہے, قیامت کے میدان میں جب وہ رسول وعدہ پورا کرنے کے لیے آئیں گے, کیا دیں گے سوچتے چلے جاؤ, کیا عطا کریں گے سوچتے چلے جاؤ. اس کے نیچے ایک حدیث اور لکھی انہوں نے اپنے فتوے میں, اس کے راوی حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ چٹ چٹ آواز کہاں سے آ رہی تھی, بدتمیزی نہیں کرنا مسجد میں آ کے, تو بھگاؤ بچوں کو وہاں سے یا اندر لا کے بٹھاؤ, توڑ دے بات بڑھ گئی. حضرت عثمان ابن عفان اس کے راوی ہے, اس کی حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جس کسی شخص نے عبد المطلب کی اولاد میں سے کسی کے ساتھ احسان کرے گا, قیامت کے میدان میں اس کو بدلہ دینا مجھ پہ لازم ہے. اہل بیت حسین سادات الگ ہے, اور عبد المطلب کی اولاد الگ ہے, فاطمی سادات الگ
احسان کرے گا, رسول اللہ وہاں بدلا دیں گے. اور جو عبد المطلب کی اولاد کے ساتھ کسی بھی فرد کے ساتھ کوئی نیکی کرے گا, کوئی احسان کرے گا, رسول اللہ فرماتے ہیں قیامت کے میدان میں اس کو بدلا دینا مجھ پہ لازم ہے, یعنی واجب قرار دیا رسول اللہ نے. تو پتہ یہ چلا آج ہم سادات کے ساتھ, اہل بیت کے ساتھ کوئی نیکی کریں گے, اس میں سلوک کریں گے, تو دنیا کو نہیں دیکھنا, رسول اللہ کے وعدے کو دیکھنا. یہ دو حدیث کی شرح بات میں کروں گا, اس کی شرح میں دو گھنٹے کا خطاب ہے, میں چھوڑ رہا ہوں اس کو, یاد دلاؤ پھر کروں گا. ایک مشہور حدیث ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, امام ترمذی نے روایت کیا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, سید الشباب اہل الجنہ. رسول اللہ نے لفظ سید استعمال کیا, اور امام حسن اور امام حسن کے لیے توجہ سے سنیے, ارشاد فرمایا کہ یہ جوانان جنت کے سردار ہیں. جوان کون ہے, بوڑھا کون ہے, کون کیسا جائے گا جنت, اس کی شرح میں نہیں جا رہا ہوں میں, بڑا وقت لگے گا. نبی نے فرمایا سید ہے, تو سید کا ترجمہ ہمارے علماء نے کیا کیا, بولو, سردار کیا. کیا ہے جب اردو کا دامن تھوڑا تنگ تھا, ذرا کھلا ہو گیا اردو کا دامن, بڑا وسیع ہو گیا. اب میں لفظ سردار کا ترجمہ کر رہا ہوں, سنتے چلے جاؤ. علم والا توجہ کرو, اردو کے ادب میں نظر رکھنے والا توجہ کرو. سردار, سید کا مطلب سردار, سردار کا مطلب کیا ہوگا؟ اگر سردار کا ترجمہ کریں گے اب کیا ہوگا؟ سید کا ترجمہ سردار ہوا, سردار کا ترجمہ میں جو سمجھا ہوں, سنو لوگ, آپ اٹھا کے دیکھ لو جا کے, اگر کہیں میں پھسلوں تو میری رہبری کر دینا, میرا ہاتھ پکڑ لینا, مجھے سمجھا دینا. میرا علم جو بول رہا ہے, سید کا معنی سردار کیا, اور جب میں نے سردار کا ترجمہ کیا, سردار کا ترجمہ ہوگا سربراہ, سردار کا ترجمہ ہوگا امیر, سردار کا ترجمہ ہوگا امام, سردار کا ترجمہ ہوگا نگہبان, سردار کا ترجمہ ہوگا نگرانکار, سردار کا ترجمہ ہوگا مختار. کیا ہوگا؟ سید. سید کا ترجمہ سردار کیا, سردار کا سربراہ امیر ہوگا, نگرانکار ہوگا, رہبر ہوگا, رہنما ہوگا, اور ایک ترجمہ مختار بھی ہوگا. یہ متعلقات میں سے ہے. تو مجھے پتا یہ چلا میرے نبی نے حسنین کریمین کے لیے ان کو جنت کے مختار بنا دیا ہے. تم نہ سمجھو اناڑیوں جاہلوں کی باتوں میں کیوں جا رہے ہو, ارے کوئی کچھ بولے اسے ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا, میرے نبی نے جنت کا مختار بنا دیا ہے. حسین کی عظمتوں میں کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے, یہ خود مٹ جائیں گے. آواز دی تھی بریلی کی سرزمین سے مجدد نے, مٹ گئے, مٹتے ہیں, مٹ جائیں گے, آبا تیرے نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی, چرچا تیرا. ان کو مٹا دے کے آواز لگانے والے خود صفحہ ہستی سے مٹ جائیں گے. اور جب رسول اللہ نے مختار بنا دیا جنت کا, مختار کا مطلب کیا ہے, یہ خطاب چھوڑ رہا ہوں, اس کی شرح پھر بعد میں کروں گا. مختار کو کیا کیا کرنے کا اختیار ہے, سنیں گے تو سمجھ میں آئے گی عظمت حسین کیا ہے. واخر دعوانا الحمدللہ.